नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। सांसद बनने की चाहत में जेडीयू छोड़कर राजद में गई रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती राजनीति के बुरे दौर से गुजरने को मजबूर है। जदयू की टिकट पर लगातार जीत का परचम लहराने वाली बीमा भारती के राजनीतिक अस्तित्व पर इसीलिए संकट मंडराने लगा है क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट पर राजद के सिंबल पर चुनाव लड़कर वह ना केवल अपनी जमानत तक गवा बैठी जबकि आगामी 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में उन पर एक बार फिर राजद के युवराज सहित पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दाव लगाते हैं या नहीं, इसको लेकर भी संशय के बादल छाए हुए हैं। एक या दो चुनाव में मिली हार के बाद ही किसी की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह बीमा भारती को करारी हार मिली है और उनका जमानत तक जब्त हो गया है उसे देखकर उनके राजनीतिक अस्तित्व को लेकर चर्चा जरूर शुरू हो गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि पहली बार राजद के सिंबल पर विधायक बनने के बाद जब से वह जेडीयू में गई तब से वह लगातार इसीलिए जीतती रही क्योंकि उनका साथ जेडीयू के कोर वोटर देते रहे, यहां तक कि वह सीएम नीतीश के बेहद करीबी मंत्री भी मानी जाती रही, लेकिन उनकी अति महत्वाकांक्षा इस कदर हिलोड़े मारने लगी कि वह अपनी पार्टी की कदावर नेत्री कही जाने वाली लेसी सिंह का विरोध करते करते सीएम नीतीश की विरोधी बन गई। इतना ही नहीं, महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ सरकार बनाने के दौरान उन्होंने कुछ अन्य विधायकों के साथ मिलकर नीतीश कुमार को धोखा देने की भरपूर कोशिश भी की। इन वक्त पर पाला बदलकर राजद से एनडीए के खेमा में आई बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी मोकामा विधायक नीलम देवी, बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र शिवहर विधायक चेतन आनंद और लालू के खासम खास कहे जाने वाले लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव ने सत्ता पक्ष के खेमा में जाकर एनडीए का साथ नहीं दिया होता तो शायद नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते और बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल गई होती। विश्वास मत के दौरान बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को धोखा देने की कोशिश करने वाले कुछ विधायकों की चर्चा अगर नहीं करें तो भी बीमा भारती ने सीएम नीतीश के साथ वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। इन तीन प्रकार नीतीश कुमार द्वारा विश्वास मत हासिल करने के बाद जब उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार चलने लगी और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो सांसद बनने की चाहत में बीमा भारती ने बीते 10 अप्रैल को न केवल पाला बदल लिया बल्कि विधायकी से इस्तीफा देकर राजद के सिंबल पर पूर्णिया लोकसभा से चुनावी दंगल में कूद भी गई। वैसे इसके पहले गरीब और जरूरतमंदों के रहनुमा कहे जाने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस या यूं कहें कि महागठबंधन से टिकट पाने की आस में जब अपनी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में कर दिया तब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राजद के युवराज ने पप्पू यादव को मात देने के लिए बीमा भारती को राजद प्रत्याशी घोषित कर दिया। स्थिति तब विकट हो गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने न केवल बीमा भारती को जिताने के लिए अपनी तमाम ऊर्जा लगा दी बल्कि जब उन्हें यह लगने लगा कि तमाम तिकड़म के बाद भी पप्पू यादव का पलड़ा भारी हो चला है तब उन्होंने चुनावी जनसभा में यहां तक कह दिया कि अगर आरजेडी को वोट नहीं करना है तो एनडीए को वोट दे दीजिए। तेजस्वी के कहने का मतलब साफ था कि बीमा भारती जीते या ना जीते लेकिन पप्पू यादव नहीं जीतना चाहिए। तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए इस तरह के बयान का यह असर हुआ कि लगभग एक साल पूर्व से प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया व जोहार पूर्णिया नामक चुनावी अभियान के जरिए वोट की खेती करते रहे गरीब और जरूरतमंदों के चहेते पप्पू यादव और इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने न केवल एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को 23,847 मतों से हराकर अपनी जीत का डंका बजा दिया बल्कि आरजेडी की टिकट पर चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश कर रही बीमा भारती को अपनी जमानत तक गंवाने के लिए मजबूर कर दिया। गंगोता जाति से आने वाली बीमा भारती की स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्हें महज 47,120 मतों से संतोष करना पड़ा। नोटा के आसपास वोट आना इस बात का प्रमाण है कि यादव जाति के सम्राट कहे जाने वाले तेजस्वी यादव और अपने आप को सनत मल्लाह कहने वाले मुकेश सैनी के आवाहन को भी नजरअंदाज कर पूर्णिया के वोटरों ने बीमा भारती को हाशिए पर ढकेल दिया। बात अलग है कि उस समय बीमा भारती के पति व बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व प्रखंड प्रमुख अवधेश मंडल जेल में थे, फिलवक्त वह जेल से बाहर आ चुके हैं और एक बार फिर बीमा भारती की जीत का दावा कर रहे हैं।
हालांकि बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव के समय अपने पति के जेल में रहने के मामले को भी भुनाना चाहा। उन्होंने जनता को यह बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की कि सीएम नीतीश कुमार ने उनके पति और बेटे को नाहक जेल भेज दिया, लेकिन इसका कोई असर मतदाताओं पर नहीं पड़ा और गोलबंद हुए मतदाताओं ने पप्पू यादव के पक्ष में जमकर वोटिंग करते हुए उन्हें संसद भेजने का काम किया। संतोष कुशवाहा जहां 23,847 मतों से हारे, वहीं बीमा भारती को 5,40,436 वोट से हार का सामना करना पड़ा। वैसे संतोष कुशवाहा को जीत दिलाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के तमाम नेताओं की कौन कहे, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पूर्णिया में चुनावी जनसभा की थी। बहरहाल लोकसभा चुनाव के बाद अब पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 10 जुलाई को मतदान होगा जबकि 13 जुलाई को मतगणना होगी। इस विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर 21 जून तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको लेकर 14 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 24 जून को नामांकन फॉर्म की जांच होगी और 26 जून तक कैंडिडेट अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। यह सर्वविदित है कि बीमा भारती के पाला बदलने और विधायकी से इस्तीफा देने के कारण रुपौली विधानसभा सीट खाली हुई थी। इसके बाद अब चुनाव आयोग द्वारा वहां चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। बीमा भारती को अगर महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव में उतारा भी जाता है तो पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव उनके पक्ष में चुनावी प्रचार कर उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। ऐसी संभावना दूर दूर तक इसीलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि बीमा भारती को मोहरा बनाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जिस तरह पप्पू यादव की राजनीतिक तौर पर हत्या करने की कोशिश की, उसे भुला पाना शायद मुश्किल है। लालू तेजस्वी द्वारा की गई दोयम दर्जे की राजनीति को लेकर मुस्लिम या अन्य समाज की कौन कहे, यादव जाति के लोग भी मुखर होकर कड़े शब्दों में आलोचना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे भी बीमा भारती को मोहरा बनाकर लालू तेजस्वी ने पप्पू यादव को जो जख्म दिया है उस दर्द से वह अब भी बिलबिला रहे हैं। जाहिर तौर पर इसका बदला तो पप्पू यादव धीरे धीरे ही सही लेकिन लेते जरूर रहेंगे और इसका व्यापक असर बिहार की राजनीति पर पड़ने की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रुपौली विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए की ओर से कौन कौन प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में कूदते हैं और नवनिर्वाचित पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की भूमिका क्या होती है। SDF न्यूज ब्यूरो।